हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग SBI ATM कार्ड को ट्रैक कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ATM कार्ड अभी तक नहीं मिला, आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ATM कार्ड जल्दी, तो आप लोग इसको ट्रैक कर सकते हैं। सिंपली आपको इसके लिए एक ट्रैकिंग नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है जब आपका जो ATM डिस्पैच हो जाता है। तो उसमें कंसाइनमेंट नंबर आपको भेजा जाता है, SMS में ही आपको वो नंबर आपको देखने को मिलता है। तो उस नंबर से आप लोग ATM कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको ATM कार्ड अभी तक नहीं मिला तो कैसे, इसका सोल्यूशन क्या है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ATM कार्ड को ट्रैक करने के लिए जब आपको कंसाइनमेंट नंबर मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना, आपको स्पीड पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग आ सकते हैं। उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पर नंबर डालने के लिए बोल रहा, तो यहाँ पर आपको जो है कंसाइनमेंट नंबर जो आपको मिला है वो आप लोग यहाँ पर डाल देंगे नंबर में, और यहाँ पर जो कैप्चा है कैप्चा फिल कर देंगे और ट्रैक नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही ट्रैक करेंगे उसके बाद आपको लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा आपका कितना तारीख को, यहाँ पर देख सकते हैं डिस्पैच हुआ, जैसे कि देख सकते हैं 15 तारीख को हुआ था, फिर 16 तारीख को कहाँ पहुँचा, फिर 17 को कहाँ पहुँचा, 18 को कहाँ पहुँचा, और आपके पास कब तक आएगा, यहाँ पर से आप लोग का स्टेटस देख सकते हैं। तो नियरेस्ट आपका जो पोस्ट ऑफिस है वहीं पर आपका जो है ATM कार्ड आता है, तो यहाँ से आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में आ जाता है तो वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट करके, या फिर जो आपको पोस्टमैन होते हैं जो आपका आधार कार्ड वगैरह भी पहुँचाते हैं, जब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आता है तो आपके घर तक वही डिलीवर करते हैं, तो उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो अपने आप ATM कार्ड को आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये तो बात हुई कि आपको अगर कंसाइनमेंट नंबर या फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है तब तो आपको ट्रैक करना, लेकिन बहुत से लोगों को जो है ATM कार्ड जब अप्लाई करते हैं तो उनको कोई नंबर मिलता ही नहीं, कोई मैसेज आता ही नहीं है, जल्दी 2 महीने 3 महीने भी हो जाते हैं तब तक मैसेज उनको नहीं आता है। तो इस केस में आपको क्या करना, अगर आपका नेट बैंकिंग बना हुआ है, यानी कि आपका जो योनो SBI का अकाउंट रहता है वो अगर आपका बना हुआ है, तो उससे भी आप लोग अपने ATM कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं बिना ट्रैकिंग नंबर के। सिंपली आपको SBI का ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आकर लॉगिन करना रहता है यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के। उसके बाद आपको जो है कार्ड सर्विसेज में जाकर ट्रैक ATM कार्ड का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ से आप लोग ट्रैक कर सकते हैं बिना ट्रैकिंग नंबर के, आप लोग का स्टेटस देख सकते हैं, और उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कैसे ट्रैक करना है बिना ट्रैकिंग नंबर के। तो मैंने कहा आपको दोनों बातें बता दी, अगर आपको ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है तो उससे आसानी से आप लोग स्पीड पोस्ट से जो ट्रैक कर सकते हैं, और ट्रैकिंग नंबर नहीं मिलता है इस केस में भी आप लोग ट्रैक कर सकते हैं अपने ATM कार्ड को बिना ट्रैकिंग नंबर के। तो इस तरीके से जो है आपको अपने ATM को ट्रैक करना, तो मुझे आशा आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करेगा, हमारे चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का दबाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा लाते रहता हूँ। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट, ATM कार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूँगा। तो चले गए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नाइस डे, जय हिंद।